हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डॉटेड बॉर्डर टेबल कैसे बनाते हैं। मतलब टेबल का जो बॉर्डर होगा वो डॉट डॉट जैसा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप डॉटेड बॉर्डर टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि इस पूरी टेबल को हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको ऊपर के रिबन में होम टैब पे जाना है। ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। होम टैब में यहाँ पर देखिए, ये है बॉर्डर का ऑप्शन और इसके बगल में इस ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद हमें सबसे नीचे जाना है मोर बॉर्डर्स पे। ठीक है, ये रहा मोर बॉर्डर्स, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, फॉर्मेट सेल का ये विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमको इस पे क्लिक करना है, यानी कि बॉर्डर पे क्लिक करना है। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपनी स्टाइल सेलेक्ट करिए, मतलब किस तरीके का डॉट आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के डॉट हैं। मान लीजिए कि ये वाला हमको चाहिए, तो हमने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको आउटलाइन पे क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद आपको इनसाइड वाली जो लाइंस हैं उस पर क्लिक करना है। ये डिपेंड करता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं कंप्लीट डॉटेड बॉर्डर टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ से नीचे ओके पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डॉटेड बॉर्डर ये देखिए बन गया यहाँ पे। ये देखिए,